आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम डेली स्टोरीज में। कहते हैं किसी भी काम में हम तभी सफल हो सकते हैं जब उसे हम पूरी योजना बनाकर करें। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य को बनाने के लिए उसे पहले प्लान कर लें। ध्यान रखें कि प्लान बनाने में ना तो जल्दबाजी करें और ना ही बहुत देरी करें, क्योंकि तभी आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर दें और आपको सीधे लेके चलते हैं हमारी संवाददाता सरिता तिवारी के पास। और आज वो हमें किससे मिलवा रही हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सरिता तिवारी। उस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डेली स्टोरीज। कहते हैं कि महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। आज आपको अपने कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो घर का काम भी संभालती हैं, बाहर का काम भी संभालती हैं। यानी कि अगर इनकी बात की जाए तो इनको मोर देन 14 ईयर का एक्सपीरियंस है आर्किटेक्ट में, साथ ही साथ 2 साल से अपनी खुद की कंपनी चला रही हैं। तो चलिए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उन्हीं से कि उनकी जो एक सफलता की कहानी है, ज़िंदगी के यहाँ तक का जो सफ़र है, कैसे पॉसिबल हो पाया। नमस्कार मैम। मैम, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपकी एक बिगनिंग से शुरू करेंगे, जब आपका बचपन था, स्कूलिंग और जो एजुकेशन रही है, कैसे हुई। मेरे पापा बॉर्डर रोड्स में थे एंड जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही बचपन जो है बहुत ही खुलेपन में बीता, क्योंकि जितनी रोड बन जाती थी हमारा स्कूल भी चेंज हो जाता था उस रोड के बाद और घर भी चेंज हो जाता था। तो मैंने 16 स्कूल्स में एजुकेशन ली है अपनी, जिसमें कि आप सरकारी स्कूल भी थे, कॉन्वेंट्स भी थे, पब्लिक भी थे और प्राइवेट स्कूल्स भी थे। हर साल भी नहीं आप कह सकते, हर 6 महीने में नया 16 स्कूल। एंड 7th ऑनवर्ड्स, 7वीं के बाद उन्होंने फाइनली ये सोचा कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, तो उन्होंने बॉर्डर रोड्स छोड़ के और अपना काम शुरू कर लिया। ही इज़ अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और वो शुरू करते ही उन्होंने फिर दिल्ली में सेटल होने का विचार किया और मैंने फिर बाकी एजुकेशन 7th ऑनवर्ड्स लेडी एवन स्कूल से ली, कैनिंग लेन, कनॉट प्लेस। यहाँ पे पापा को देखते देखते इतनी ज़्यादा रुचि थी उनके फील्ड में कि मैंने पापा को बोला कि मुझे भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बनना है। और उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, आर्किटेक्चर एक बेटर फील्ड है, बिकॉज लड़कियों के लिए हर वक्त साइट पर खड़े होने से अच्छा है डिवाइड हो जाएगा टाइम विद इन द ऑफिस और ऑन फील्ड। सो उन्होंने आर्किटेक्चर के लिए बोला, हमने फॉर्म्स भरे, लकीली एवरीथिंग वेंट थ्रू एंड आई कुड क्लियर सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस एंड फाइनली मैंने अपना आर्किटेक्चर सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से किया। आपने बताया आपकी जो जो स्कूलिंग रही है 16 स्कूल से आपने किया, इतना चेंज आपने देखने को मिला, साथ ही साथ आपने फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद अगर बात करें आपकी जॉब की, तो पहली जॉब आपने कौन सी की। मेरी पहली जॉब जीसी शर्मा एंड सन्स कनॉट प्लेस में है और ये बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं, NTPC, NHPC, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, इनके ऑफिस और इनके टाउनशिप्स ये लोग डिज़ाइन करते थे। सबसे बढ़िया बात ये थी कि यहाँ पर मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला जिसमें कि कॉलेज से पास होते ही एक आप कहें कि एक इतना अच्छा एक्सपोजर था इन डूइंग स्पेस प्लानिंग। जब आपको कॉलेज से निकलते ही इतना बढ़िया चीज़ मिले कि आपको टाउनशिप प्लान करने को मिल रही है, उसका लैंडस्केप आर्किटेक्ट से के साथ काम करने को मिल रहा है, तो आपका दिमागी विकास उस वक्त बहुत बढ़िया हो जाता है। जो आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस चाहिए, दैट 6 months वॉज वेरी क्रिटिकल इन डेवलपिंग माई ब्रेन टुवर्ड्स व्हाट आई एम टुडे। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जो आपने पहली जॉब यहाँ पर की है। कई बार कहते हैं कि कंपनी ऐसी चुनी चाहिए जहाँ पर बॉस जो होता है वो आप बिलीव करे, ना कि कंपनी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर रहा। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की, बॉस हम पे बिलीव करें और वही मुझे एक एनवायरनमेंट मिला वहाँ पर। हर मुश्किल काम जहाँ पे उनको लगता था कि ये काम करने में मेरी बाकी टीम को टाइम लगेगा, वो मुझे देते थे कि ये फ्रेश ब्रेन है, ये इसको वर्कआउट कर लेगी। और वो जो चैलेंज था
हर चैलेंज मुझे और बेटर बनाता गया इन टर्म्स ऑफ स्पेस प्लानिंग, जो आज मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। आज जैसा कि हम जानते हैं आपको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टोटल, तो इस दौरान आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, क्या क्या अचीवमेंट आपके रहे हैं? ओके, सो जीसी शर्मा एंड सन्स के बाद मैंने फिर सेकेंड जॉब मेरी रही विद डीसी आर्किटेक्ट्स, एंड डीसीए अपने आप में एक बहुत फुलफिलिंग जॉब रही मेरे लिए, एंड आठ साल मैंने उनके साथ काम किया, और आज भी मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे वो जगह याद आती है जहाँ पे मैं थी उनके साथ, एंड एक अच्छी 8 लोगों की टीम है वहाँ हैंडल कर रही थी, एंड बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स मैंने उनके साथ किए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली काम करने के लिए दिया था, विच इज़ गाथा, एक मेन्स वेयर शोरूम है, और वो मैंने उनको जब एक हफ्ते में करके दे दिया विद अ 3D एंड एवरीथिंग, तो वो इतना इम्प्रेस्ड हुए कि फिर फाइनली आई हैड अ टीम ऑफ 2 पीपल, आई वॉज हैंडलिंग दैट, एंड फिर आई थिंक देर वॉज नो लुकिंग बैक। सो रितु वेज, स्टैन मैक्स, अकबर अलीज मेन्स इन मुंबई, जेड ब्लूज, ऐसे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स मैंने उनके साथ किए। आज आपकी खुद की कंपनी है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, शास्त्र डिज़ाइन आपने उसका नाम बताया, तो थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह किसमें आप डिज़ाइन करते हैं, क्या कुछ काम है। मेरा एक ड्रीम था कि जब भी एक आर्किटेक्चर कंपनी कोई भी एक प्रोजेक्ट लेती है क्लाइंट के लिए, तो चूंकि जब एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक्सपर्टीज़ है रिटेल इंटीरियर्स में, शोरूम्स बनाते हैं हम, ऑफिसेज बनाते हैं, तो वहाँ क्लाइंट अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, अपना बिजनेस टाइम इन्वेस्ट करता है, और बिजनेस में टाइम का मतलब मनी, टाइम इज़ इक्वल टू मनी। सो ऐसा कुछ मैं करना चाहती थी जिसमें क्लाइंट का टाइम इन्वेस्टमेंट कम हो, मैं उनसे पूरा डाउनलोड ले लूँ, और जो ये उनके लिए अनप्रोडक्टिव टाइम है कि उनकी साइट बन रही है, वो अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दें, और मैं उनके लिए उनका ऑफिस तैयार करके दे सकूँ, यानी कम टाइम में और जैसा वो चाहते हैं। सो शाश्वत डिज़ाइंस एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकता है, एक ऐसा आपके लिए फंक्शनल स्पेस क्रिएट कर सकता है जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही प्रूव हो। एक सवाल मेरे मन में ऐसा आ रहा है अभी कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी किसी क्लाइंट ने अपना एक डिज़ाइन सोची हो कि ऐसा बनाना है, आपने भी सोच लिया चले ऐसा बनाएंगे, लेकिन बन के कुछ और आ जाए, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, नॉट इन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा नहीं होता है, बट येस डेवलपमेंट की जो जर्नी होती है डिज़ाइन की, वो हमेशा बहुत ही रोचक होती है, क्योंकि आप जब एक क्लाइंट सामने बैठते हैं तो जो हमारा आर्किटेक्चर में हमें सिखाया जाता है, हम लोग हर चीज़ 3D में विजुलाइज करते हैं, 3D में, लेकिन जब एक क्लाइंट सोचते हैं वो अपने 2D में सोचते हैं, और वो ये देखते हैं कि हमें ये चीज़ें फुलफ़िल करनी है इसमें, जब हम लोग सोचते हैं फिर हम उनको बता पाते हैं कि नहीं ये सर ये चीज़ वर्कआउट करेगी, ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, और ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी, बट ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो उसको अच्छा कैसे बनाना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, दैट इज़ माई जॉब, एस्थेटिक्स इज़ माई जॉब, लेकिन उस तक आपकी सारे फंक्शंस फुलफ़िल करना, वो मैं उनके साथ पूरा चॉकआउट करती हूँ ताकि उसमें कहीं कमी ना रह जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मेन एम हमारा यही रहता है कि उनके सारे फंक्शंस फुलफ़िल हों। जैसा आपका ड्रीम रहा है कि बचपन से ही आप अपने जो फादर हैं उनको फॉलो करती आई हैं, तो क्या ये आपका ही ड्रीम था, आपके फादर भी कुछ और चाहते थे कि आप कुछ और बने इसके अलावा? नहीं, बहुत सपोर्ट रहा है मेरे पापा का, वो हमेशा यही कहते थे कि बेटे जो आप बनना चाहते हैं वो आप बने, उसमें गाइडेंस, जैसा मैंने बताया कि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर उनको देख के बनना चाहती थी, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं आप आर्किटेक्चर करिए, और आर्किटेक्चर एक ऐसा समावेश है हर तरह के आर्ट का कि आई थिंक ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग इतनी मुझे फील होती है कि मैं इतना इन्जॉय करती हूँ अपने काम को, थैंक्स टू हिम। बात करें, आप वुमन हैं, कहते हैं वुमन को अपना घर भी पूरा मेंटेन करना पड़ता है, आप एक मदर भी हैं, आपके बच्चे हैं, उनका केयर भी आप करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं काम और घर दोनों?
ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है आई थिंक हर उस महिला के लिए जो घर और बाहर दोनों का जो हो. और ये एक फ़ेज़ भी ऐसा होता है कि आपके करियर के लिए भी ये बड़े इम्पॉर्टेंट साल होते हैं और वही आपके बच्चों के लिए भी बड़े इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं. आई थिंक बैलेंस करना पड़ता है और वो हो जाता है. क्योंकि कई सारी वुमेन ऐसे करती हैं जब भी बच्चे होते हैं तो 2-3 साल का गैप ले लेती हैं करियर में, उसके बाद फिर कम बैक करती हैं, फिर से अपना काम शुरू करती हैं. आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको रुकना पड़ा हो 2-3 साल? जी बिल्कुल, 2-3 साल नहीं बल्कि मैंने 5 साल का ब्रेक लिया था. सो GC शर्मा एंड सन्स में काम करने के बाद मैंने 5 साल का ब्रेक लिया बिकॉज मैं अपनी बेटी को कंसीव कर गई थी. एंड तब मुझे ये था कि मैं इसको टाइम देना चाहती हूँ और उसको टाइम देने के बाद फिर मैं वापस आ जाऊँगी इन वर्क. एंड मेरी बेटी जब हुई उसके बाद छोड़ा नहीं गया, वो इतनी छोटी थी और जब तक वो 2 साल की हुई, स्कूल जाने लायक हुई, देन आई हैड कंसीव्ड अगेन एंड आई हैड माय सन धनंजय, लावण्य एंड धनंजय, माय टू ऑफ माय किड्स. एंड बाय द टाइम माय सन स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जब वो 3 साल का हुआ, उसके बाद मैंने दोबारा काम शुरू किया. और यहाँ पर मैं पूछ रही थी कि आप घर और अपना ऑफिस मैनेज कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपका जो स्केड्यूल होता है थोड़ा सा और ठीक से बताइए दर्शकों को. ओके, सो हम बाकी आपको स्केड्यूल ही बताते हैं. सुबह 5 बजे का अलार्म होता है जो हम 5:30 तक उठ पाते हैं. एंड उसके बाद बच्चों को उठाना है एंड तैयार करना है, उनके बैग्स चेक करने हैं. 7:30 बजे तक ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं. उसके बाद उनको स्कूल भेजने के बाद फिर अपना एक कप चाय, न्यूज़पेपर, थोड़ा हस्बैंड से बातचीत, बिकॉज और कोई टाइम नहीं मिलता है बातचीत. आजकल इतने बजे शेड्यूल में आपको एक कप चाय के साथ मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि आजकल लोग, आपको पता है, एक जो वक्त है एक दूसरे से कंपटीशन का और आगे बढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, वो ज़माना नहीं रहा. आप कैसे टाइम निकाल वो जो 1 घंटा है सुबह, वो मेरे लिए बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि अगर वो 1 घंटा नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि सारा दिन भागा दौड़ी में निकल गया. और सुबह के वो जो 2 घंटे बच्चों के साथ लगाए होते हैं, वो मतलब चार्जअप करना अपने आप को वाकई ज़रूरी होता है, बिकॉज सारा दिन बहुत ही लंबा रहने वाला है. साइट्स पे जाना है, क्लाइंट कॉल्स है, क्लाइंट्स को मिलना है, तो इसलिए वो 1 घंटा निकालना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कई सारी महिला ऐसी होती हैं जिन पर काफ़ी रोक टोक होती है. आपको ने देखा होगा हमारी इंडिया में कि बाहर जाना अलाव नहीं है, बच्चों को भी देखना है, तमाम तरह की जो कहते हैं हर्डल्स उनकी लाइफ में आते हैं. तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए आप कोई मैसेज दे सकती हैं जो कि वो कुछ भी अगर करना चाहती हैं तो करें? मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने दिल की सुने और पॉजिटिव रहें, क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना, ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव रहना एक अपने आप में एक कामयाबी के पहले 2 कदम आप बढ़ जाते हैं. जैसे ही आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं और अगर आपने माइंड में वो पिक्चर बना ली कि आपको वो मिल रहा है, आप वो कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरी सारी चीज़ें आपके लिए वो चीज़ जोड़ने में लग जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा होता भी. कई बार हम सुनते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे यू आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है. साधन नहीं होते हैं, फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है. तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि महिलाएं अगर कुछ अपना काम करना चाहती हैं तो उनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता? आपने बिल्कुल सही कहा. हाँ, लेकिन हर कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन हर कोई जो चाहता है, अगर आप, जैसा मैंने कहा कि सारी एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर इट इज़ डिस्ट्रॉयड, एक बेसिक प्रिंसिपल है. सो अगर आप एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ की जगह आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ा रहे हैं, आप अगर सही सोच रहे हैं, एक सकारात्मक सोच
आप जो भी बनना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आर्किटेक्चर बने, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक पेंटर स्कल्प्टर बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप एक सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा सारी एनर्जीज, ऐसा ये मेरा एक दृढ़ विश्वास है इस चीज़ पर कि सारी चीज़ें लग जाती हैं आपके पीछे, सब आपको ब्लेसिंग सबकी मिलती हैं। आप मैरिड भी हैं तो जानना चाहेंगे आपके हस्बैंड क्या करते हैं, साथ ही साथ क्या वो आपको आपके काम में सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं मैरिड हूँ, आई हैप्पीली मैरिड फॉर द पास्ट 15 इयर्स एंड माय हस्बैंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस उतना ही आपका मैरिज का ईयर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कॉलेज सर्टिफिकेट मैं अपने हस्बैंड के साथ लेने गई थी, सो ही नोज मी सिंस देन। एंड उनका फील्ड मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, वो सेल्स में है एंड ही इज़ डीएम सेल्स फॉर गिब्सन इनोवेशंस, जो कि फिलिप्स के ऑडियो प्रोडक्ट्स ग्लोबली सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो ही हैज़ बीन द सॉलिड पिलर ऑफ सपोर्ट। सो आफ्टर यू कैन से माई पेरेंट्स हैव चिजल्ड वट आई एम, बट जो सपोर्ट एक चाहिए होती है, जो एक पौधे को खड़े होने के लिए सपोर्ट्स चाहिए होती हैं, वो सारी मेरे हस्बैंड एंड आई कैन नॉट मिस हेयर कि मेरी मदर इन लॉ का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरी मदर इन लॉ, जब मैं साइट्स पे होती हूँ, लॉन्ग आवर्स होते हैं, तो वहाँ मेरी मम्मी पूरा खड़े हो जाती हैं मेरे साथ, बच्चों को देखती हैं, और शायद इनके बिना मेरे लिए सोचना मुश्किल हो जाता कि मैं एक शाश्वत डिज़ाइन क्रिएट कर पाती। आपकी काफ़ी ओपन माइंडेड है इससे पता चलता है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन हर किसी घर में इस तरह का माहौल नहीं मिलता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वही यहाँ पर हम महिलाओं की बात करें कि आप इस तरह से इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज करें कि अपनी जो उनकी मदर इन लॉ है उनको कैसे समझाएँ कि वो भी कुछ करना चाहती हैं? मैं शायद मेरे पास शायद सही शब्द नहीं होंगे इस चीज़ को डालने के लिए, बट आई थिंक मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है, बिकॉज आप किसी की सोच को कुछ कह के नहीं बदल सकते हैं। प्रेयर इसमें मैं एक बहुत बड़ा साधन समझती हूँ कि है, अगर आप अपनी सोच को ऐसा सोच लें, जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपने सोच में ये सोचें कि हाँ वो मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उनके प्रति, और अपने आप में कभी नेगेटिविटी नहीं आने देंगे कि मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मम्मी ने नहीं हेल्प किया, बट आप ये सोचें नहीं हेल्प किया उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, ये ना सोचें कि उन्होंने जानबूझ के नहीं हेल्प किया। सो जैसे ही आप ये सोचेंगे तो सारी चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, दो चीज़ों को देखने का पहलू है। और जब आप उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन इज़ द की, बात करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल हम इतना, हमारा जीवन इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, और वो सबसे सबसे खराब बात है। बात करते हैं आपकी आगे के प्लानिंग की, तो आगे क्या कुछ आपने सोच रखा है? देखिए, पिछले 2 साल से हमारी ये कोशिश रही है कि हम शाश्वत डिज़ाइंस को एक ऐसे मुकाम पर ला पाएँ जहाँ पर वो एक बहुत बढ़िया काम कर सके, और क्लाइंट्स को, अभी तक जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमने स्टार्ट किए थे, मतलब 2 साल में आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाते हैं, तो अब वो एक 2 साल के काम में 20 प्रोजेक्ट्स में हम एक दिखा पाए हैं क्लाइंट्स को कि जो हम कहते हैं वो हम डिलीवर करते हैं, वो हम बना के दिखा पाते हैं आपको। अगले 5 साल के लिए मैं और मेरी टीम इस चीज़ के प्रति काम कर रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट को, जो मैं कह रही थी कि बिज़नेस में टाइम का मतलब पैसे होते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएँ, ऐसी मैं टीम जोड़ पाऊँ जो मेरे इस विज़न में मेरे साथ चलें, और हम क्लाइंट्स के टाइम को वैल्यू करते हुए उनका कम से कम टाइम लगाकर हम उनको एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ बना के दे पाएंगे। आर्किटेक्ट से अगर पूछा जाए तो उसको कैसे ये क्लियर हो जाता है कि जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल, मैं इसको समझती हूँ, क्योंकि जब हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं और जब हम आर्किटेक्ट्स के बारे में सुनते हैं, तो आप कहीं ना कहीं, अगर हम चार्ल्स कोरिया मान लीजिए या बी वी दोषी को पकड़ लें, तो सबका एक एंड में एक स्टाइल निकल के आता है,
कि लटियंस ने अगर दिल्ली डिज़ाइन किया तो एक पर्टिकुलर स्टाइल था उनका, गाउदी हैं तो उनका एक डिज़ाइन है, चार्ल्स कोरिया हैं उनका एक लो कॉस्ट हाउसिंग का डिज़ाइन फेमस है। मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं उस लर्निंग ग्राफ में हूँ जहाँ मेरा वो पर्टिकुलर डिज़ाइन अभी नहीं आया है। इसको मैं बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि मैं क्लाइंट को समझ के क्लाइंट को क्या चाहिए वो मैं दे पाती हूँ, और मैं क्लाइंट के जितनी देर मैं क्लाइंट के साथ होती हूँ और मैं क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रही होती हूँ उस वक्त मैं क्लाइंट की तरह सोचने लगती हूँ। उस क्लाइंट का बिज़नेस कैसे रन करता है, वो अपना समय कैसे बिताते हैं, वो इस कुर्सी पे कैसे बैठना, किस तरह की कुर्सी पे बैठना पसंद करेंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनको क्या सूट करेगा, और शायद ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है उस क्लाइंट के साथ उनका वो डिज़ाइन डेवलप करने में। मैम, हमने सुना है कि आप कुछ एनजीओ में काम भी करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, तो आप अपने काम से लोगों की मदद किस तरह से करती हैं? देखिए, आर्किटेक्चर में जब आप जुड़े होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ सोसाइटी में बना रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे हैं, स्पेस के साथ काम कर रहे हैं, स्पेस में कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप वो सारा सोशल स्पेसेस को आप इम्पैक्ट करते हैं। तो जब योगदान की बात कही जाए, चूँकि अभी हमारा दो विज़न हमारा बड़ा है कि हम एक बड़ा योगदान करना चाहते हैं, और वो क्लैरिटी है तो उस तरफ काम चल रहा है। सो हमने जो शुरुआत की है वो हमने एक आई विलेज नाम का एक एंटरप्राइज है, तो ये उनका मेरे पास रखा हुआ भी है, ऐसे आपको हमारे घर में बहुत जगह मिलेंगे। सो ये लोग काम करते हैं अनप्रिविलेज्ड बच्चों के साथ, और इनके साथ मेरा योगदान ये रहता है कि इनकी जो भी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनको वो करके दूँ, और इसके लिए मैं कोई कमर्शियल्स उनके साथ चार्ज नहीं करती हूँ। हमने सुना है कि आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक पहल शुरू की है, तो वो क्या है? हाँ, आप पहली बोलिए अभी इसको, क्योंकि अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सो हम लोगों ने ये सोचा है, और इसमें मेरे घर के सब लोग हम लोग सोच रहे हैं, पीयूष के पास टाइम नहीं है अभी, मेरे हस्बैंड की बात करें तो, बट मैं, मेरी मदर इन लॉ और हमारे दोनों बच्चे, हम लोग जाके एक घंटा रोज़ हमने ये सोचा है कि हम उन बच्चों को देंगे जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के प्रति काम करेंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट्स निकल के आ जाएं और सोसाइटी के प्रति अपना योगदान दें। ये बहुत ही अच्छी पहल होगी। आप वैसे तो बहुत बिज़ी रहते हैं, जब भी आपको खाली वक्त मिलता है आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं? आर्ट के प्रति मेरी रुचि बहुत ज़्यादा रही है। सो जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा स्कल्पचर के प्रति रुझान हुआ, जबकि स्कूलिंग के दौरान मेरा कभी भी आर्ट के प्रति कोई लगाव नहीं था। बॉक्स में और स्टिक फिगर्स में मैं सारी ड्राइंग्स बनाया करती थी, बट आर्किटेक्चर करने के बाद वो माता पिता ना डरें जिनके बच्चे बॉक्स फिगर्स में काम करते हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो चेतावनी देती है, मैंने चेतावनी नहीं, उनको दिलासा दिया है कि अगर आपका बच्चा बॉक्स फिगर्स बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो एक आर्किटेक्ट नहीं बन सकता। सो उसमें वो गुण छिपे हुए हैं, तराशना ज़रूरी है। सो बेसिकली जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं पेंटिंग करना, आर्किटेक्ट हैं तो पेंटिंग बहुत अच्छी करते होंगे, मेरी रुचि है, कोशिश करते हैं जब भी समय हो तो कर पाएँ, और थिएटर के प्रति मेरा रुझान है, तो अभी हमने एक मॉम्स थिएटर वर्कशॉप है उसमें मैंने काम करना शुरू किया है। तो हमारा लास्ट अगस्त में हमने तारतूफ नाम के एक प्ले में एक्ट किया था मैंने। सो थिएटर के प्रति ज़रूर नसीरुद्दीन शाह मेरे बहुत बड़े आइडल रहे हैं। आपने बताया कि पेंटिंग्स आप अच्छी बनाते हैं और आपकी रुचि उसमें है, क्योंकि आप आर्किटेक्ट भी हैं तो आपका हाथ भी सदा हुआ है। आपके घर में यहाँ पे देख रहे हैं एक हॉल से, यहाँ पे काफ़ी सुंदर आपने ये बहुत ही अच्छी तरीके से पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? मुझे खुशी है आपको पसंद आई। मैं एक ऐसा जीवंत हॉर्स बनाना चाहती थी जिसमें तेज़ी हो, जो सुबह की, मतलब आई डोंट नो आप इसको समझ पा रहे हैं नहीं, बट मेरा विचार ये था कि मैं सुबह को कैप्चर करूं, अर्ली मॉर्निंग, जिसमें वो दौड़ता हुआ आ रहा है, और सुबह की सूर्यदेव का हम वाहन मानते हैं घोड़ों को, तो उस चीज़ के साथ इसको मैंने बनाने की कोशिश की। आप इतना सारा काम करती हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे आप पे प्राउड तो करते होंगे, करते हैं?
मुझे लगता है करना चाहिए। ऑब्वियसली करते हैं क्योंकि वुमेन के लिए इतना सारा काम मैनेज करना, पेंटिंग्स भी करते हैं आप, एक आपकी कंपनी भी है, घर में भी ऑफिस से आपका एक, कहते हैं जब मदर होते हैं तो आप बच्चों के लिए टीचर बन जाते हैं, उनके लिए आप मेड भी कह सकते बन जाते हैं, उनकी केयर करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तमाम तरह के काम करती है एक महिला। तो जाते जाते हम चाहते हैं आप महिलाओं के लिए एक ऐसा संदेश दें ताकि वो कुछ करने के लिए एक उनमें एक उत्साह आए। सारी महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो इस वक्त पढ़ रही हैं और कुछ सोच रही हैं बनने का, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सपनों को पंख दें और खुल के सपने देखें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते और नहीं बन सकते। सिर्फ़ एक सकारात्मक सोच, कोई भी आपके आसपास रुकावट हो, कुछ हो, उन सबको बदलने में सक्षम है। सो खुल के सपने देखें और खुल के जिए, यही मेरी सबसे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ श्वेतांबरा जी, जिनसे हमने जाना उनकी लाइफ की जो सफलता की कहानी है, कैसे वो इस तरह मुकाम तक पहुंची। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पॉजिटिव रहिए और जो भी आप चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, दिल से सोचिए और उसे करने में लग जाइए। तो फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे एक और सफलता की नई कहानी लेकर। नमस्कार। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपकी कहानी भी है प्रेरणादायक और लोगों को करती है मोटिवेट, तो जुड़िए हमारे साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ईमेल के जरिए। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और सफलता की नई कहानी के साथ। तब तक सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या है और उसे पाने में लग जाइए।